मैं पहले अपना परिचय दे दूँ। मैं सुधीर सिंह राठौर, सतना जिले में एक छोटा सा कस्बा है रामपुर बाघेलान, वहाँ का निवासी, सतना मध्य प्रदेश। भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ में शुरुआत पहले हमारे जिले के अध्यक्ष से, फिर प्रदेश उपाध्यक्ष से, फिर प्रदेश के अध्यक्ष रहे 3 वर्ष तक, और ये 3रा वर्ष है मैं राष्ट्रीय मुख्य महासचिव के दायित्व में हूँ, और लगभग 28 साल से पत्रकारिता से जुड़ा हूँ। कई दैनिक अखबारों में काम किया है, जैसे नव स्वदेश है, नेशनल टुडे न्यूज है, देशबंधु है, नवभारत है। वर्तमान में मैं दैनिक भास्कर सपना के लिए खबरें लिखता हूँ, और पत्रकारिता के माध्यम से मैं खास तौर से लोगों की, जो गरीब हैं, मजलूम हैं, जिनकी कोई सुनने वाला नहीं है, उनकी आवाज़ बुलंद करके उन्हें निराकरण तक पहुंचाने का प्रयास रहता है। और कुछ पूछना चाहेंगे बताएं सर? धन्यवाद। आपका भी परिचय जानना चाहेंगे हमारे कैमरे मैन को, आप बताइए आप अपने बारे में परिचय और इस संगठन में आपकी भूमिका। मैं मुनेश्वर मिश्र हूँ, इलाहाबाद से पत्रिका ग्रुप का एक अखबार निकलता है, अमृत प्रभात और नॉर्दर्न इंडिया पत्रिका। अमृत प्रभात हिंदी में, नॉर्दर्न इंडिया पत्रिका इंग्लिश में। तो अमृत प्रभात का मैं रेजिडेंट एडिटर हूँ, स्थानीय संपादक हूँ, और भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। कितने दिनों से सर इसमें अध्यक्ष हैं आप? मुझे 3 साल हो गए, और मैं पूरी कोशिश करता हूँ अपने तई और साथियों को एकजुट रखने की, संगठित रखने की, और पत्रकारों की लड़ाई लड़ने की भी कोशिश करता रहा। सर, ये 3 साल से आप भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ में हैं, इससे पहले आपकी किस तरह की भूमिका थी पत्रकारिता में? इसके पहले मैं कई संगठनों में रहा। मैं IFWJ का जिले का महामंत्री रहा इलाहाबाद जिले का, और जिले का अध्यक्ष रहा, प्रदेश में उपाध्यक्ष रहा, और जो 3 संगठनों ने मिला के एक नेशनल कॉन्फेडरेशन बनाया था, उसकी जो राष्ट्रीय समिति थी मैं उसका सदस्य था। और इलाहाबाद में मैंने वर्ष 1986 में वीर बहादुर सिंह जी, उसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तब मैं IFWJ का महामंत्री था, तो मैंने एक उनका कार्यक्रम लिया था यहीं प्रयाग संगीत समिति में, और उस कार्यक्रम में हमने पत्रकार कॉलोनी की मांग की थी उनसे, और वह मांग उन्होंने मान ली थी, और उसके बाद ही इलाहाबाद के पत्रकारों को, करीब 40-50 पत्रकारों को यहाँ पत्रकार कॉलोनी के रूप में एक एक प्लाट दिए गए। सर, आपका परिचय जानना चाहेंगे सर? मेरा नाम है डॉक्टर हीरामन त्रिपाठी। ये राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ में आपकी क्या भूमिका? राष्ट्रीय संरक्षक है सर जी। कितने दिनों से है सर इसमें? करीब 10 साल से। 10 साल सर। ये पत्रकार इसके अलावा आपका और कोई? इसके अलावा मैं भारतीय पत्रकार संघ का प्रदेश अध्यक्ष रहा, और भारतीय पत्रकार संघ का मैं राष्ट्रीय महामंत्री रहा, और इस समय मैं अमर उजाला में अपने ग्रामीण क्षेत्र कोराव से रिपोर्टिंग करता हूँ, और एक श्रीमती धनराड़ी देवी महिला डिग्री कॉलेज का मैं प्रबंधक हूँ।